Assalamualaikum students, hope you are all fine and enjoying good health. I'm Islamia, teacher of class 1, Taiba Abbas. Student, today we are going to do work from unit number 2, Allah the Creator, and the page number is 11 or 12. First of all, we will do the reading of this unit, then answer question, then worksheet, filling the blanks and true false. So students, open your book in front of you and comes to page number 11. First of all, we are going to do the reading of this unit, okay? So let's start. Allah the Creator. Students, Creator ka meaning hota hai Khalik, theek hai? Paida karne wala, theek hai? Allah the Creator. Allah made the sun. Allah Taala ne suraj ko banaya hai, the moon, chand ko, and the stars aur sitaron ko. अल्लाह ने सूरज चांद और सितारों को बनाया है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह मेड द सन द मून एंड द स्टार्स. अल्लाह ताला ने सूरज चांद और सितारों को बनाया है. अंडरलाइन दीज वर्ड्स, सन मून एंड स्टार्स. ओके, नेक्स्ट इज अल्लाह मेड द माउंटेन्स रिवर्स एंड द सीज. अल्लाह मेड, अल्लाह ताला ने बनाए हैं द माउंटेन्स पहाड़ों को, रिवर्स दरियाओं को, एंड द सीज और समुद्रों को. माउंटेन्स का मीनिंग है पहाड़ों, रिवर्स का मीनिंग है दरियाओं, सीज का मीनिंग है समुद्रों. ओके, अल्लाह ताला ने पहाड़ों दरियाओं और समुद्रों को बनाया है. अंडरलाइन दीज वर्ड्स, माउंटेन्स रिवर्स और सीज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अल्लाह मेड द ट्रीज द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स. ओके, अल्लाह मेड द ट्रीज, अल्लाह ताला ने दरख्तों को बनाया है, द फ्लावर्स फूलों को बनाया है, एंड द फ्रूट्स और फलों को बनाया है. मीनिंग ऑफ ट्रीज इज दरख्तों, ट्रीज का मीनिंग होता है दरख्तों, फ्लावर्स का मीनिंग होता है फूलों, और फ्रूट्स का मीनिंग होता है फलों. ठीक है, अल्लाह ताला ने दरख्तों फूलों और फलों को बनाया है. अंडरलाइन दीज वर्ड्स, ट्रीज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, नेक्स्ट इज अल्लाह मेड द एनिमल्स एंड द बर्ड्स. अल्लाह मेड द एनिमल्स, अल्लाह ताला ने जानवरों को बनाया है, एंड द बर्ड्स और परिंदों को बनाया है. एनिमल्स का मीनिंग होता है जानवरों, बर्ड्स का मीनिंग होता है परिंदों. ठीक है, अल्लाह ताला ने जानवरों और परिंदों को बनाया है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अंडरलाइन दीज वर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स. नेक्स्ट इज अल्लाह मेड द क्लाउड्स एंड द रेन. अल्लाह ताला ने बादलों को बनाया है, एंड द रेन और बारिश को बनाया है. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लाउड्स का मीनिंग होता है बादलों, रेन का मीनिंग होता है बारिश. ओके, अल्लाह ताला ने बारिश और बादलों को बनाया है. ओके, अंडरलाइन दीज वर्ड्स, क्लाउड्स और रेन. नेक्स्ट इज अल्लाह मेड द एयर वी ब्रीथ. अल्लाह मेड द एयर, अल्लाह ताला ने हवा को बनाया है. एयर का मीनिंग होता है हवा, वी ब्रीथ जिसमें हम सांस लेते हैं. ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे सांस लेने के लिए हवा को बनाया है. ठीक है, अंडरलाइन दीज वर्ड्स, एयर और ब्रीथ. नेक्स्ट इज अल्लाह मेड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. अल्लाह ताला ने हर चीज को बनाया, इस दुनिया में हर चीज को बनाया है. एवरीथिंग होता है हर चीज, वर्ल्ड दुनिया. ठीक है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज को बनाया है. ओके स्टूडेंट्स, लाइक इस पिक्चर में देखें, ये सब कुछ इसने बना हुआ है. इसमें क्लाउड्स भी हैं, इसमें सन भी है, बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, ओके, स्काई है, हर चीज बनाई हुई है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 2, अल्लाह द क्रिएटर. ओके, नेक्स्ट नाउ कम्स टू पेज नंबर 12. We are going to do question answers. Okay, answer question. First one is, who made the sun and the moon? Suraj aur chand ko kisne banaya hai? Okay students, the answer of this question is,
अल्लाह मेड द सन एंड द मून, ठीक है, ये हमने स्टूडेंट्स रीडिंग में पढ़ा है ना, हमने रीडिंग में पढ़ा है अल्लाह मेड द सन एंड द मून, अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को बनाया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड द डे एंड द नाइट, दिन और रात को किसने बनाया है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्लाह मेड द डे एंड द नाइट, ये हमने रीडिंग में पढ़ा है कि हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने दिन और रात को भी बनाया है, ओके। अल्लाह मेड द डे एंड द नाइट, अल्लाह ताला ने दिन और रात को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड द जूसी फ्रूट्स डैट यू ईट, जूसी रसदार जो फल हैं, ठीक है, उन जो आप खाते हैं उनको किसने बनाया है, ठीक है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्लाह मेड द जूसी फ्रूट्स, अल्लाह ताला ने रसदार फल बनाए हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है तो फ्रूट्स भी अल्लाह ताला ने बनाया है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्लाह मेड द जूसी फ्रूट्स, अल्लाह ताला ने जूसी फ्रूट्स या रसदार फल बनाए हैं। नेक्स्ट इज हु मेड द एनिमल्स एंड द बर्ड्स, जानवरों और परिंदों को किसने बनाया है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्लाह मेड द एनिमल्स एंड द बर्ड्स, अल्लाह ताला ने जानवरों और परिंदों को बनाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्लाह मेड द एनिमल्स एंड द बर्ड्स। स्टूडेंट्स दीज आर द आंसर क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 2, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12, ओके। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, ओके स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट है जो कि आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है, ओके, ये आपकी टेक्स्ट बुक पे नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक्स, अल्लाह इज द डैश द ओनली, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हमने जैसे कि पढ़ा है तो हमें पता है कि अल्लाह ताला सिर्फ एक हैं, तो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे वन, अल्लाह इज द वन एंड द ओनली, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह इज द वन एंड द ओनली, अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ एक हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज अल्लाह हैज़ नो डैश, हमने रीडिंग में पढ़ा हुआ है अल्लाह ताला की कोई फैमिली नहीं है, ठीक है, अल्लाह ताला के ना ही बच्चे हैं ना ही कोई फैमिली है उनकी, तो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे फैमिली, ओके, अल्लाह हैज़ नो फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश मेड द डे एंड द नाइट, जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़ा है कि दिन और रात को किसने बनाया है, दिन और रात को अल्लाह ताला ने बनाया है, तो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे अल्लाह, अल्लाह मेड द डे एंड द नाइट, ओके। नेक्स्ट वन इज अल्लाह हैज़ डैश चिल्ड्रन, अल्लाह ताला के कोई बच्चे हैं, एक या दो तीन या चार कोई भी नहीं है ना, तो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे नो, अल्लाह हैज़ नो चिल्ड्रन, ओके, अल्लाह ताला के कोई बच्चे नहीं हैं। नेक्स्ट इज अल्लाह मेड द डैश वी ब्रीथ, अल्लाह ताला ने हमारे सांस लेने के लिए क्या बनाया है, जैसे हमने रीडिंग में पढ़ा था अल्लाह मेड द एयर वी ब्रीथ, अल्लाह ताला ने हवा बनाई है हमारे सांस लेने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह मेड द एयर वी ब्रीथ, हम इस ब्लैंक में एयर लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। दीज आर द फिलिंग द ब्लैंक्स, स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट दीज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन योर नोटबुक, ओके। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, फर्स्ट वन इज अल्लाह इज द मेकर एंड द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड, अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को बनाने वाला है, इसका खालिक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को बनाने वाले हैं, इस पूरी दुनिया के खालिक हैं, ओके, सो हम इस स्टेटमेंट के सामने टी लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट इज अल्लाह हैज़ फादर और मदर, अल्लाह ताला के फादर और मदर हैं, ठीक है, हैं या नहीं हैं, नो, अल्लाह ताला के ना ही फादर हैं और ना ही मदर हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, हम इस स्टेटमेंट के सामने एफ लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट इज देर आर मैनी गॉड्स एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा बहुत सारे खुदा हैं, क्या अल्लाह ताला के सिवा बहुत सारे खुदा हैं, नो स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी खुदा नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, हम इस स्टेटमेंट के सामने एफ लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट इज अल्लाह मेड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज को बनाया है, क्या अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज बनाई है, यस।